हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निशा कंप्यूटर। तो गाइस, आप देख सकते हैं आज और एक ग्लोरियस का स्विचिंग मोड पावर सप्लाई है। ठीक है, इसका मॉडल नंबर है GPL08C। तो गाइस, इसमें देखेंगे हम क्या प्रॉब्लम है और इसे रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो में बने रहिए, तो हम देख लेते हैं एक बार। वाइस इसमें शॉर्टिंग दिखा रहा है और वोल्टेज आता है कि नहीं वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, वोल्टेज आ रहा है बट फिर भी ये शॉर्टिंग दिखा रहा है। आपने देखा होगा रोशनी एकदम बढ़ गया था, तो वो शॉर्टिंग था। वोल्टेज आ रहा है बट शॉर्टिंग दिखा रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है वो बता देता हूँ मैं। तो मैं स्क्रू सारे खोल लेता हूँ। ठीक है गाइस, तो ये खुल चुका है। इसका प्रॉब्लम बताता हूँ गाइस कैसा है कि ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जैसे पावर आ रहा है और वोल्टेज भी आ रहा है पर शॉर्टिंग दिखा रहा है। अगर डायरेक्ट अगर आप लगाएंगे तो सीधा उड़ जाएगा, मतलब कि उस डायोड इसका सब उड़ जाएगा, डायरेक्ट पे काम नहीं करने का, सीरीज़ पे। इसलिए अपन सीरीज़ बोर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सीरीज़ बोर्ड में अभी दिखाया हुआ है मुझे कि इसमें ये इसका शॉर्टिंग है। तो शॉर्टिंग के लिए क्या होता है प्रॉब्लम दिखाता हूँ मैं, एक मिनट। तो शॉर्टिंग में मोस्टली होता है कि इसका IC जाता है। अगर शॉर्टिंग दिखा रहा है आपको तो मोस्टली इसका 90% चांस रहता है कि इसका IC जाता है। तो अभी हम सबसे पहले इसे निकालेंगे और देखेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पे इसकी IC है। ठीक है, तो हम इसे एक बार ड्राई शोल्डर करेंगे और ड्राई शोल्डर करके IC को बाहर निकालेंगे। और IC मैंने मेरे पास एक है, मैंने दूसरे से एक्चुअली निकाला था, तो लगा के एक बार चेक करेंगे। अगर चल गया तो सक्सेस। तो मोटा भाई मजा में चल गया। तो ये हो गया। इस तरह से आप यूज़ कीजिए इसे, ये थोड़ा अच्छा रहता है गाइस, आपका खर्चा थोड़ा बच जाता है इससे। भले थोड़ा कॉस्टली आता है, 100-125 रुपये का आता है, लेकिन अच्छा रहता है। इससे पूरा क्लियर तो नहीं होता, ठीक है। फिर ये होने के बाद आप डिशोल्डर पेस्ट यूज़ कीजिए, डिशोल्डर वायर सॉरी, ताकि क्लीनिंग अच्छे से हो जाए। इस तरह से रखने से मात्र रखिए, पूरा ये खींच लेगा एक ही बार में। सॉरी 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 गाइस सॉरी। मेरा जो स्टैंड है वो वायर का है, इसलिए थोड़ा भी लगता है तो बहुत ही हिलता है, तो उसके लिए सॉरी। मैं अभी दूसरा नहीं खरीद पा रहा हूँ, तो मुझे टाइम लगेगा थोड़ा खरीदने में। ठीक है, ठीक है। तो इसे हम कहाँ गए, यहाँ पे टेढ़ा कर देंगे और इसे ट्वीज़र से ही पकड़ के खींचेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी निकल ही चुका है।
ये देखिए, ये आईसी है 666E। मोस्टली ऐसे पावर सप्लाई में यही आईसी रहती है। ये देखिए 666E। तो इससे पहले हमें दूसरी आईसी लगा के एक बार देखेंगे। ये भी एक्चुअली दूसरे में लगा था, तो मैंने चेंज तो किया था बट प्रॉब्लम सेम आ रहा था। ये बाद में ये वाला कैपेसिटर चेंज किया, ये तब प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। तो मैंने वो वीडियो डाला है, अभी जस्ट डाला था, उसे अपलोड किया था। तो मुझे डाउट है कि ये आईसी शायद से ओके है, तो एक बार हम इसे लगा के देखेंगे। अगर ये चल गया तो मुझे बाबा मजा मा, ठीक है। तो इधर से थोड़ा सा ले लेता हूँ मैं इस तरह से, और यहाँ पे इस तरह से लगा दो इसे, ठीक है। ये होने के बाद यहाँ पे भी थोड़ा सा लगा दो इस तरह से, और इसे डब्बे को बंद करके हटा दो। आ गया इसे, सो इसे मैं थोड़ा सा हटाऊंगा, ठीक है। और मैं ट्वीज़र की मदद से अब इसे बैठाने की भी कोशिश करूंगा। बैठने में दिक्कत देता है, नहीं जा रहा है बराबर से। ओके, तो एक काम करेंगे, तो इसे पूरा ही निकाल देंगे। क्योंकि ये ऐसे नहीं लग रहा है, तो इसलिए हमने इसको पूरा निकाल दिया, और अब इस पे बैठाएंगे। ठीक है, दिख रहा है गाइस? शायद आपको नहीं दिखता हो, ना बारीक है ये। तो ये अब जा चुका है, अच्छे से बैठ चुका है, और अब हम इस पे इसका लॉक लगा देंगे कुछ इस तरह के से तरीके से। पहले तो स्क्रू जाएगा यहाँ से, उसके बाद है इसका स्टैंड, ठीक है, और उसके बाद से इसका नट।
ठीक है, तो अभी अच्छे से बैठ चुका है और इसे हम शोल्डर करेंगे और चेक करेंगे। ओके गाइस, सो एक बार देख लेते हैं। सो गाइस, कैपेसिटर भी गया ही है, शॉर्टिंग है उसमें। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे उसमें, सिंपली आईसी दूसरा डाल देंगे, चालू हो जाएगा। ऑलरेडी चालू है, बस इसमें आईसी चेंज करने की ज़रूरत है। ये आईसी भी ख़राबी था, आईसी दूसरा चेंज करेंगे तो हो जाएगा। तो गाइस, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो में बने रहिएगा। मेरे और भी वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।